प्राप्त हुई थी कि गाड़ी जो है XUV500 जो कि गुमला की तरफ से लोहरदगा की ओर जा रही थी। नशीले व मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई गुमला जिला पुलिस ने किया है। पुलिस ने गुमला थाना क्षेत्र के टोटो से XUV कार में लदा 90 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक गुमला हरविंदर सिंह को मिले गुप्त सूचना के सत्यापन पर चलाए गए वाहन जांच के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कार XUV की जांच में पुलिस को वाहन के अंदर से 4 बोरे में बंद गांजे का बंडल मिला है। पुलिसिया कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर मौके से भाग निकले। पुलिस वाहन को जब्त कर थाना लाया है, साथ ही मामले में शामिल तस्करों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कार्रवाई के दौरान SDPO गुमला मनीष चंद्रलाल, पुलिस और निरीक्षक प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ी जो है XUV500 जो कि गुमला की तरफ से लोहरदगा की ओर जा रही थी और संदिग्ध था कि इस गाड़ी में कुछ मादक पदार्थ जो है उसकी तस्करी की जा रही है। उसी के क्रम में जो है आगे हमारे द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। हमारे जो एक सब इंस्पेक्टर है प्रदीप कुमार, जो टोटो थाना जो नवनिर्मित थाना है जो अभी सृजन नहीं हुआ है उसमें अभी रह रहे हैं, तो उनको सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा वहाँ चेकिंग लगाई गई आगे उसी रोड पर। बट जब काफ़ी देर तक इंतज़ार किया वो गाड़ी वहाँ नहीं आई तो उनको शक हुआ, तो जब वो लौटने के क्रम में उन्होंने देखा कि वही एक XUV500 सड़क के साइड में दुर्घटनाग्रस्त पड़ी हुई, मगर जब जांच किया तो उस वहाँ कोई व्यक्ति नहीं पाया। संभवतः जो भी व्यक्ति उसमें थे, जो भी अभियुक्त थे, वो मतलब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वो वहाँ से सामान छोड़ के भाग गए। गाड़ी की जब जांच की गई तो गाड़ी में पाया गया कि 4 बोरा में 1-1 किलो का लगभग पैकेट में बना के जो है गांजा जो पदार्थ है उसको मतलब रखा गया था काफ़ी हैवी क्वांटिटी में, और लगभग जो टोटल क्वांटिटी जो वजन किया गया तो पता चला कि 90 किलो जो गांजा है उसकी तस्करी की जा रही थी, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख। तो इसमें आपका एक 90 किलो गांजा बरामद हुआ है, एक XUV500 महिंद्रा गाड़ी बरामद हुई है। छापामारी दल में SDPO गुमला जो थे वो शामिल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और सशस्त्र बल जो है इसमें शामिल रहा है। प्राथमिकी अभियुक्त अभी फरार है और संभवतः गाड़ी की डिटेल से हम जो है फर्दर उसमें कुछ क्लू मिलेगा और अभियुक्त तक पहुँचेंगे, एंड देन मे बी जो सोर्स है और कहाँ से आ रहा था वो भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। सर कितना समय एंट्री कर रहा है? और ये जो युवा बालक है, जो स्पेशली जो टीनेज में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो है बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक हार्मफुल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि उनकी प्रोग्रेस को बाधित होगी, फ्यूचर में उनकी प्रोग्रेस बाधित होगी। और जो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, अगर उनका फ्यूचर किसी तरह से प्रभावित होगा नेगेटिवली तो हमारे समाज और हमारे देश पे उसका डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी दिशा में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी ये अपील रहेगी सभी जो समाज के आपके गणमान्य व्यक्ति हैं, आम जनता है और आप पत्रकार बंधुओं से, कि इस विषय में पुलिस का जो है बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। जैसे ही कुछ पता चलता है आपको कहीं पे भी कोई ऐसा अड्डाबाजी चल रही है जहाँ पे लोग बैठ कर जो है कंजम्पशन कर रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स का, तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें ताकि अविलंब उस पर कार्रवाई कर सके। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पर इस तरह की तस्करी या पेडलिंग कर रहे हैं तो उसकी भी सूचना हमें बताएं ताकि हम उस पर जो है जो हमारे जो भी डेटरेंट कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई है, वो हम कर सकें। कॉरिडोर की जैसे आपने बात करी तो उसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो ज्योग्राफिकल है, तो गुमला की जो ज्योग्राफिकल